मेरी एक वीडियो में एक बच्चे का बहुत ही कमाल का कमेंट था, सोचा आपके साथ भी उसे शेयर करूं। आप उस कमेंट से काफ़ी मोटिवेट होंगे, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर ये वो बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो अब भी ज़रूर आप कोई संदेश लें, मोटिवेट हों आप इस वीडियो से। वीडियो थी जिसमें कमेंट था कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाएँ, और टिप्स मैंने अपने शेयर किए थे। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो में हम बताते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। तो उस वीडियो में भी मैंने ऐसे ही कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक अभी भी कर लो, शेयर कर लेना इस वीडियो के बाद। तो उस वीडियो में भी कहा था मैंने, और उसी शेयर वाले ऑप्शन पर बच्चे का कमेंट था कि अगर मैंने अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजा, शेयर किया, तो उनके भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। देखो कितने साफ दिल का बच्चा है, अपने दिल की बात उसने क्लियरली रख दी। ये मैक्सिमम बच्चों के इसी तरह की फीलिंग होती है, मेरी भी थी, आज भी है। जब हम मतलब स्टूडेंट लाइफ होती है हमारी, तो ये लगभग सभी की फीलिंग होती है। कुछ बच्चे अपनी बात को क्लियरली रख देते हैं, कुछ बच्चे अपनी बात को, फीलिंग है उनकी सेम है लेकिन वो उसको दबा के रखते हैं, मतलब वो बता नहीं पाते हैं। तो आप किस टाइप के बच्चे हैं, अपनी बात को क्लियरली रख देते हैं या अपनी बात को आप मन में ही रख के रखते हैं, तो किस टाइप के, मुझे कमेंट में जरूर बताना आपने। तो चलिए मैं आपको बच्चे के कमेंट से जोड़ता हूँ। दो टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। पहले टाइप है, हमने देखो दो दोस्त हैं, हमने इससे आगे बढ़ना है, हम ये हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे कर देंगे या तो इसे किसी भी तरीके से नीचे करेंगे, हम आगे आगे तुम आगे हो गए, है ना। दूसरा तरीका है, फिर से हम दो दोस्त हैं, अब हमने इससे आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, इससे और तेज भागेंगे, इसे और तेज पढ़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ेंगे, टाइम देंगे तो हम आगे आ जाएंगे। सोचो कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त बड़ी दूर हैं, तो हम क्या करेंगे, हौले हौले दौड़ते रहते हैं और हम चल रहे होते हैं। इसके मतलब हम तेज नहीं दौड़े, क्यों, क्योंकि हमारे दोस्त काफ़ी दूर थे। सेम ये पढ़ाई में भी होता है, अगर हमारे 18 नंबर आए हैं 20 में से, हमारे दोस्तों के किसी के 5 है, किसी के 7 है, किसी के 10 है, किसी के 12 है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी दूर है, मैं तो फर्स्ट हुई, तो हम और मेहनत नहीं करते, हमारे 18 से 18 ही रह जाते हैं। लेकिन सोचो अगर मेरे 18 हैं और मेरे दोस्तों के किसी के 17 है, किसी के 16 है, किसी के 15 है, तो मुझे लगता है यार ये मुझसे आगे नहीं जाए, फिर मैं क्या करता हूँ, और तेज़ अपनी पढ़ाई को और तेज़ करता हूँ और स्मार्ट बनने की कोशिश करूँगा। तो तभी किया मैंने जब दोस्त मेरे अगल बगल आ गए, अब हम क्या करते हैं, और मेहनत करते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो लाइफ में आपने कभी भी अपने दोस्तों के करीब, मतलब यानी कि उन्हें दूर नहीं रखना है, उन्हें आप वीडियो अगर शेयर करते हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं, अब वो भी पढ़ रहे हैं तो क्या वो आपके करीब आए, उन्हें भी टिप्स मिले, अब वो आपके करीब आए, तो अब आपने और तेज़ पढ़ाई करनी है, और तेज आपने, तो आप निखरते जाते हैं और मेहनत करते हैं आप। जब आपके दोस्त आपके करीब आते हैं तो इससे आपका फायदा होता है और निखरने का। अगर वो बहुत दूर है तो आप आराम से रहेंगे, ना आप तेज दौड़ पाओगे, ना आप और अच्छे से ज्यादा सीख पाओगे। तो आपके दोस्तों का आपके करीब में होना बहुत जरूरी है। और दो तरीके होते हैं, 3 Idiots आपने मूवी देखी होगी, उसमें अपने दोस्तों से ज्यादा नंबर लाने के 2 ट्रिक बताए थे। पहला तो ये कि उनसे ज़्यादा पढ़ने लग जाऊँ, तो वो तो उसके बस की था नहीं, जो रटने वाला था तोता उसमें एक, है ना। कितने बच्चों ने मूवी देखी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा उसका तरीका था कि अपने दोस्तों को गंदी मूवी दिखाना शुरू कर दे, उनको गंदी मैगजीन बांट दे, ताकि उन्हीं में देखने में बिजी हो जाए और मैं फर्स्ट आ जाऊँ। तो दूसरा वाला तरीका गलत था, वो वाला तरीका कि हम दोस्तों के स्ट्रगल करें और उनके साथ कंपटीशन करें और आगे जाएंगे, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं तो वहीं टिके रह जाते हैं। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को यार लाइक करो, शेयर जरूर करना, अब शेयर करने में आपने कंजूसी नहीं करनी है। जय हिंद।